हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आयुष से अच्छे हो गए तो अगेन आ गए एक और ब्लॉग के साथ। गाइस देखो, मैं आपको वाल्मीकि जयंती के लिए बहुत सारे डीजे दिखा रहा हूँ। और भाई देखो, उसको लिए रह गए मतलब 2 दिन, मतलब वाल्मीकि जयंती के लिए रह गए सिर्फ 2 दिन। और भी भाई मैं आपको डीजे दिखाता रहूंगा धीरे धीरे करके। एंड गाइस देखो, मैंने आपको शायद उस डीजे की अपडेट पहले ही दे दी थी और गाइस वो बुक हो चुका है। और भाई बहुत अच्छा सेटअप लेके आने वाला है। और कौन सा डीजे होने वाला है ये हम अपने भाई लोगों से पूछते हैं। और भाई भाई लोगों के साथ ही मैं खड़ा हूँ और पूछते हैं कि कहाँ पर आएगा, कैसा क्या रहेगा और कौन सा डीजे होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत सारे वाल्मीकि जयंती पे डीजे आ रहा है। तो भाई बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है बरेली के अंदर। और भाई कुछ हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों ने भाई क्रेज और ज्यादा बढ़ा दिया अपना। एक नया डीजे बुक करके, नया क्या मैं कह सकता हूँ, वो पुराना है लेकिन भाई बहुत ज्यादा मस्त डीजे है। चलो पूछते हैं कौन सा डीजे। भैया पहले तो जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। भैया कौन सा डीजे किया आपने? भाई हमने डीजे करा बिक्की डोनर बुलंदशहर से, ठीक। वही अपने 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पे नई बस्ती माधोवाड़ी वाल्मीकि बस्ती में आ रहा है। और अच्छा डीजे है, बहुत सिस्टम, मतलब सावन में इसने बहुत अच्छा सिस्टम हैंग करा था बरेली के अंदर। अच्छा, और ये जैसे कि आपका डीजे रहेगा कहाँ जाएगा? ये अपने सीढ़ी सब्जी मंडी पे जाएगा, वहां से जो भी वाल्मीकि का रूट होगा अपने नई बस्ती माधोवाड़ी ब्रह्मपुर में आके समाप्त होगा। तो उसका रूट क्या रहेगा? यहाँ से सिटी से लेके अयुपा, अयुपा से लेके सामतगंज फ्लाईओवर के नई बस्ती माधोवाड़ी। अच्छा, तो इसका जैसे कि वापसी का रूट? वापसी का नहीं है, पर शोभा यात्रा समाप्त हो जाती है ना ग्राम पे। नहीं, जैसे कि ऐसा ना, जैसे शोभा यात्रा सीधे गई, फिर आप क्या जैसे बरेली में सिटी में आप इसका रोड शो वगैरह करेंगे? हाँ, बरेली में सिटी में इसका रोड शो करेंगे। अच्छा, तो उसका कुछ रूट? रूट उसका सिटी सब्जी मंडी से लेके अपने कहते हैं काड़ीवाड़ी होते हुए सामान्य फ्लाईओवर होते हुए अपने नई बस्ती माधोवाड़ी। अच्छा अच्छा मतलब इधर ही से जाना, इधर ही से आना, ये एक तरीके से वो हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ उस दिन जैसे कि बरेली में बहुत सारे डीजे आ रहे हैं, तो आपका डीजे जो है वो उसका सेटअप कुछ आप बता सकते हो मुझे? सेटअप जो भाई आपकी बात बहुत अच्छा आ रहा है अपना। अच्छा, ठीक है, बिक्की डोनर भाई लेके आ रहे हैं, जो कुछ नया भी हो सकता है और बहुत यूनिक भी हो सकता है। अच्छा, शायद आपने पहले भी बुलाया था, शायद सावन में आया था। जी जी जी, हमने बुलाया था तीसरे सोमवार को और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने जितनी उम्मीद थी उनसे करा था। डीजे को हराया भी था। अच्छा, आज मैं ये कहना चाहूंगा जैसे आपने डीजे बुक किया तो उसे आपको कैसे अच्छा लगा वो? भाई एक तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा, और सब में मेन चीज जो उन्होंने किसी से भी सावन के अंदर मुंह नहीं मोड़ा। अच्छा अच्छा, जो डीजे बराबर में लगा सबसे कंपटीशन करते हुए चले और हम लोग आखिर तक कंपटीशन करा हम लोग। अच्छा, नहीं जैसे कि मान के चलिए आपने पहले डीजे करा था तो कहीं तो सुना होगा, कहीं तो आपको पसंद आया होगा ऐसा कुछ। एक हमारे मित्र है, उन्होंने बताया था ये चौधरी डीजे के भैया पार्टनर है, लेकिन बिक्की भाई कुछ कारणवश हमारा एक डीजे कहते हैं वो होने जा रहा था पार्टनर लोग, हमारा उससे चीजों कोई लेने देने नहीं है, हमें वो बहुत अच्छे पसंद आए। अच्छा, इस चक्कर में हमने उन्हें बुक करा। तो मतलब आपने पहले सावन में बुक करा और उसके बाद आप ऊपर वाले ने चाहा फिर सावन में करें। अच्छा, तो इसका मतलब आपका वो एक तरीके से फेवरेट ही हो गया। फेवरेट है। तो अच्छा भाई ये बताओ, आप जो मतलब आप जिस एरिया से है वहाँ से एक और डीजे भी जा रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पे, तो उसका एक बहुत ज्यादा चांस बन जाएगा आपकी तरफ से कॉम्पिटिशन का, तो क्या भाई देखो कुछ... वैसे हमारा किसी से भी कंपटीशन नहीं है और कोई हमारी गाड़ी के बराबर में लगाएगा तो उससे हमारा कंपटीशन है। अच्छा, उसका वैसे कोई भी हुआ मतलब वैसे है। वैसे भाईचारे वाला हमारा सबसे है डी, और कोई हमारी गाड़ी के बराबर में लगाएगा तो हमारा कंपटीशन है किसी से। अच्छा अच्छा, तो वो चाहे कंपटीशन पूरी रात करे हमसे, अच्छा चाहे पूरे दिन करे, कैसे भी कर ले। भैया जैसे उस दिन बहुत सारे डीजे आ रहे हैं तो सभी डीजे अपना अपना कुछ ना कुछ बेस्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन बता कोई नहीं रहा है, तो आपसे भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, वो तो आपके ऊपर है बताना कि आप अपना सेटअप बता दो कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हमारा सेटअप भी सबसे यूनिक ही मिलेगा। अच्छा अच्छा, जैसे सावन में भी बहुत हटकर लेकर आए थे विक्की भाई, इस बार भी बहुत हटकर मिलेगा। अच्छा, और जैसे लाइटिंग के थ्रू? लाइटिंग विक्की भाई अपने पास से ही लेकर आ रहे हैं, बोले बहुत कुछ अलग दिखाने को। अच्छा, वो भी अपने पास से लेकर आ रहा है, मतलब आपने लाइटिंग के लिए और डीजे के लिए दोनों के लिए हमने कम्प्लीट करा। अच्छा, कम्प्लीट करा, चलिए ये तो अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं बरेली में कम से कम 8 बेस की जो टाटा है वो आ रही है, और मैक्सिमम मान के चलो तो बढ़ ही रहेंगे, तो उनके बीच में आप हमें कंपटीशन होगा। मैं आप ये बता दूं हमारा डीजे का नाम है लिक्विड ओनर। हाँ, चाहे 8 बेस वाला है चाहे 20 बेस वाला है। अच्छा, वो सबसे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, ये तो बढ़िया है, जैसे एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस है अपने डीजे पे। हाँ, बहुत। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब बरेली में इस बार आपका डीजे कुछ अलग ही सीन करते हुए जाएगा, क्योंकि बहुत डीजे मिलेंगे रास्ते में, कंपटीशन तो होगा। चलिए ये तो देखते हैं। उसने सावन में भी किया था, सीन वाल्मीकि जयंती में भी करेगा। अच्छा अच्छा, सिस्टम हैंग ही कर देगा। चलिए चलिए, सिस्टम यहाँ पर देखो गाइस, सिस्टम हैंग होने वाला है। और भैया जो अपना डीजे है वो कब आ जाएगा?
16 तारीख की रात में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, और सुबह 10 से 11 बजे टेस्टिंग होगी। अच्छा, मतलब वो रात में आके सुबह 10 बजे करीब टेस्टिंग, और निकल जाएगा कुछ टाइम? निकल जाएगा कोई 12 से 1 बजे। अच्छा, 12 से 1 बजे। गाइस हम आपको वहीं पर ही मिलेंगे, और देखते हैं भाई कौन किसका सिस्टम हैंग करेगा, हमारे भाई लोगों का डीजे हैंग करेगा या किसका हैंग करेगा, वो तो हम आके देखेंगे। तो गाइस इस वाली वीडियो को फटाफट से आप लोग शेयर कर दो, और बता दो भाई कि विक्की डोनर डीजे बुक हो चुका है, वाल्मीकि जयंती पे जाएगा, शोभा यात्रा में शामिल होगा, और काफी अच्छा सेटअप होने वाला है। तो गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, मिलते हैं गाइस अगले किसी ब्लॉग में, तब तक ले बाय।